सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। अभी तक हम जो चर्चा कर चुके हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने जब मक्का को फतेह कर लिया था तो उस समय के बाद वो आसपास के इलाके का एक लगभग बेताज बादशाह बन चुका था और बहुत सारे लोगों ने इसके कहने पर ज़ोर ज़बरदस्ती से जो ये नया मजहब शुरू किया गया था इस्लाम नाम का, उसे मानना आरम्भ कर दिया था। आज जो हम बात करेंगे वो है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जीवन के अंतिम गज़व की। अभी तक इसे मदीना में आए या हिजरत किए हुए 9 वर्ष हो चुके हैं, तो ये जो नवा वर्ष है उसमें आता है एक जैसे बैटल ऑफ तबुक या तबुक का गज़व कहा जाता है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, गज़व एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रेड करना या हमला करना। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और इसके चेले रेड करके लोगों को लूट कर और विशेष रूप से गैर मुसलमानों को लूट कर उनसे धन, महिलाएं और भेड़ बकरियां, ऊंट ये सब छीन लिया करते थे। तो इस तरह की जो रेड्स थी उन्हें गज़व कहा जाता था। और अभी क्या होता है कि 9वें वर्ष के अंत के आसपास जो सीरिया का बॉर्डर है, जो मदीना से लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर कुछ कबीले थे वो आपस में इकट्ठे होने लगे ताकि वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का विरोध कर सकें या उस पर हमला कर सकें। तो उत्तर की दिशा से जो कारवां आ रहे थे, जो व्यापारी आ रहे थे, उन्होंने मदीना में सूचना देनी आरंभ की कि इस तरह से वहाँ पर एक सेना को तैयार किया जा रहा है। और इनमें कुछ अफवाह ऐसी भी थी कि जो रोमन साम्राज्य का राजा था जिसे सीज़र कहा जाता था, उसने वहाँ के लोगों को इकट्ठा होने को कहा है, क्योंकि कुछ ही वर्ष पहले, लगभग 2 वर्ष पहले, खालिद वहाँ गया था जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का ही चेला था, जिसने वहाँ पर हमला किया था। हालांकि उनकी बहुत करारी हार हुई थी इस क्षेत्र में, लेकिन हमला किया गया था। तो भविष्य में इस प्रकार के हमले ना हों इसके कारण, या सीज़र के कहने से, काइज़र के कहने से, वहाँ पर कुछ लोग अपनी एक सेना एकत्रित कर रहे थे। जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को इसके बारे में पता चला तो उसने ये डिसाइड किया, उसने ये फैसला किया कि हम उन पर जाके हमला करेंगे। अब आज से 1400 वर्ष पहले रेगिस्तान में लगभग 550 किलोमीटर की यात्रा कठिन मानी जाती थी, और ये वो समय था जब भीषण गर्मी पड़ रही थी वहाँ पर, साल का वो समय था। तो ये 2 कारण थे, एक तो भीषण गर्मी और दूसरा इतनी लंबी यात्रा। तो जब इसने लोगों को कहना शुरू किया कि हमने वहाँ पर हमला करना है, तो बहुत सारे लोग थे जो कहने को अपने आप को मुसलमान कहते थे, मोहम्मद का चेला मानते थे, उन्होंने अलग अलग बहाने बनाकर मना करना आरंभ कर दिया। अब आज जो मैं रेफरेंसेस ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ, एक तो सैफुर्रहमान मुबारकपुरी की लिखी हुई किताब है द सील्ड नेक्टर या अर रहीक अल मखतूम, और दूसरी है विलियम मुइर की लिखी हुई द लाइफ ऑफ मोहम्मद में से। जो सील्ड नेक्टर है उसमें इस गज़व का रेफरेंस आता है पेज नंबर 272 पे, बैटल ऑफ तबुक के नाम से। तो वो भी हमें यही बात बता रहा है। अब होता क्या था कि आज तक पहले जितने गज़व किए जा रहे थे, क्योंकि ये लूटपाट का काम था तो धोखे से किया जाता था, तो जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने साथियों को कहीं पर भी बोलता था कि हमने हमला करने जाना है, तो साथियों को नहीं बताया जाता था कि हमला कहाँ पर होगा, या उन्हें झूठ बताया जाता था कि मान लीजिए उत्तर में जाना है तो उन्हें बोला जाएगा कि हम पश्चिम में जाएंगे, या पश्चिम में जाना है तो बता दिया जाएगा दक्षिण में जाएंगे, ताकि अगर इनके बीच में कोई जासूस हो मक्का वालों के या गैर मुसलमानों के, तो उन्हें पता ना चले कि हमला किस दिशा से होने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था, इसलिए पहले से स्पष्ट करना आवश्यक था कि ये वहाँ पर सीरिया के जो बॉर्डर है वहाँ पर जाके हमला करेंगे। अब तक इसके जो चेले थे काफ़ी धन इकट्ठा कर चुके थे लूटपाट से, और जो खैबर में यहूदियों को हरा कर उनसे जिजिया लिया जा रहा था उसके कारण भी संपन्नता आ गई थी। तो कुछ लोग ऐसे थे जो अब खून खराबा, लूटपाट ये चीज़ नहीं चाहते थे। विलियम मुइर की किताब में ये हमें मिलता है पेज नंबर 425 पर, जहाँ पर इस गज़व का उल्लेख आता है। और इस समय एक और जो घटना घटी थी उसको सैफुर्रहमान मुबारकपुरी पेज नंबर 272 पे बताते हैं।
कि ये वो समय था जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपनी बीवियों को छोड़कर अलग रह रहा था। आपको ध्यान हो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो एक इनकी लौंडी होती थी, एक बांदी थी, उसके साथ ये कुछ ऐसी गतिविधि कर रहे थे जो इनकी पत्नियों को रास नहीं आई, तो पत्नियों ने इनसे झगड़ा किया था, जिसके कारण मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कसम खाई थी कि मैं एक महीने तक इनके साथ नहीं रहूँगा। तो जो आम लोग थे और विशेष रूप से पत्नियों को और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को छोड़कर, जिन्हें इस विषय में पता नहीं था कि क्यों ये झगड़ा चल रहा है, उन्हें वो अंदाजे लगा रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि क्या इसने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया है, क्योंकि उनसे अलग रह रहा था मरिया के साथ। अब उसे जो सैफुर्रहमान मुबारकपुरी हैं वो वास्तविकता नहीं बताते, वो केवल इतना बता देते हैं कि द प्रॉफेट हैड टेकन एन ओथ टू स्टे ऑफ हिज वाइफ्स फॉर अ मंथ इन द नाइन्थ ईयर ऑफ अल हिजर, देयरफॉर ही डेजर्टेड देम एंड केप्ट ऑफ इन अ प्राइवेट प्लेस। अब ये प्राइवेट प्लेस कौन सी थी, अलग अलग जगह से हमें पता लगता है कि वो जो मरिया नाम की लौंडी थी उसके साथ ये रह रहे थे लगभग एक महीने के लिए। तो अब इनका एक ससुर भी था जिसका नाम अबू बकर था, क्योंकि उसकी जो छोटी सी बेटी थी 7-8 साल की आयशा, उसके साथ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने निकाह कर रखा था। तो अबू बकर को भी इस बात की चिंता थी कि कहीं इन्होंने डिवोर्स तो नहीं दे दिया, तलाक तो नहीं दे दिया। तो इसके बारे में सैफुर्रहमान मुबारकपुरी जो बताते हैं पेज नंबर 273 पे, कि एक दिन इनका दरवाज़ा खटखटाया इनके दोस्त ने। तो उन्हीं दिनों में ये अफवाहें चल रही थी कि ऐसा हमला होने वाला है या हम हमला करेंगे, तो इन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने हमला कर दिया वहाँ से, घसा नहीं कहा जाता था उन्हें। तो उसने कहा नहीं, उससे भी ज़्यादा गंभीर बात है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया है। हालांकि ये सूचना गलत थी, लेकिन यहाँ हमें इनकी जो सोच विचार करने की शक्ति और शैली पता लगती है कि हमले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है उसने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत सारे लोग थे जो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ थे जो जाने में बहुत अधिक उत्सुक भी थे। जैसे उस्मान, जो तीसरा खलीफा बनने वाला है बाद में, उसने लगभग 200 घोड़ों को स्पॉन्सर किया कि 200 घोड़े होंगे तो 200 घुड़सवार भी जा सकते हैं ये गज़व करने, लूटपाट करने या जिहाद करने के लिए। और लेकिन कुछ और थे जो जाना तो चाहते थे लेकिन उनके पास धन नहीं था, घोड़े नहीं थे, ऊँट नहीं थे, तो वो नहीं जा पाए। ये सारे उल्लेख हमें कुरान में से मिलते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुरान की 3 आयतें हैं, जो 9वां चैप्टर है कुरान का, जिसे तौबा कहा जाता है, अल तौबा। उसकी जो 40 से बाद की आयतें हैं वो पहले नाजिल हुई थी और 139 वाली बाद में हुई थी, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ये जो 40वीं आयत से शुरू होती है, लगभग सारे का सारा वर्णन अगली 70-80 आयतों में तबुक वाली लड़ाई के बारे में है। मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो है इसी अध्याय की, इसी सूरा की 91, 92 और 93 आयत। ए रसूल, जिहाद में न जाने का ना तो कमज़ोरों पर कुछ गुनाह है, ना बीमारों पर, और ना उन लोगों पर जो कुछ नहीं पाते कि खर्च करें, बशर्ते कि ये लोग अल्लाह और उसके रसूल की खैर ख्वाही करें। नेकी करने वालों पर इल्ज़ाम की कोई सबील नहीं और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और ना उन्हीं लोगों पर कोई इल्ज़ाम है जो तुम्हारे पास आए कि तुम उनके लिए सवारी बाहम पहुंचा दो, और तुमने कहा कि मेरे पास तो कोई सवारी मौजूद नहीं कि तुमको उस पर सवार करूं, तो वे लोग मजबूरन फिर गए और हसरत व अफसोस उसे उस गम में कि उनकी खर्च मैसर ना आया। उनकी आंखों में आंसू जारी थे। इल्ज़ाम की सबील तो सिर्फ उन्हीं लोगों पर है जिन्होंने बावजूद मालदार होने के तुमसे जिहाद में न जाने की इजाज़त चाही, और उनके पीछे रह जाने वाले यानी औरतों और बच्चों के साथ रहना पसंद आया, और अल्लाह ने उनके दिलों पर गोया मुहर कर दी है, तो ये लोग कुछ नहीं जानते। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी के लोग हैं, एक जो फिज़िकली फिट नहीं है, दूसरे जिनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इतनी दूर तक जा सके जिहाद कर सकते, उन्हें तो छोड़ दिया, पर जो फिट हैं लेकिन फिर भी नहीं जा रहे उनको यहाँ पर लानत भेजी जा रही है। और इसी बारे में कुछ आयतें आती हैं जो, कुछ तो मदीना में रहने वाले लोग थे लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो आसपास के कबीलों के में रहने वाले थे, जिन्हें अंग्रेज़ी में बेदून या हिंदी अरबी में बद्दू कहा जाता है।
तो इन बदुओं का विशेष रूप से उल्लेख आता है। इसके लिए फिर से तीन आयतें हैं, 88, 89 और 90। मगर रसूल और जो लोग उनके साथ ईमान लाए हैं उन लोगों ने अपने अपने माल और अपनी जानों से जिहाद किया। यही वह लोग हैं जिनके लिए हर तरह की भलाइयां हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह ने उनके वास्ते बहिश्त के वो हरे भरे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके दरख्तों के नीचे नहरें जारी हैं और ये इसमें हमेशा रहेंगे, यही तो बड़ी कामयाबी है। और तुम्हारे पास कुछ हीला करने वाले यानी बहाना बनाने वाले गवार देहाती भी आ मौजूद हुए ताकि उनको भी पीछे रह जाने की इजाज़त दी जाए। और जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल से झूठ कहा था वह घर में बैठ रहे आए तक नहीं। उनमें से जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया अनकरीब ही उन पर दर्दनाक अजाब आ पहुँचेगा। तो इस तरह से जो देहाती गवार हैं ये अल्लाह मियाँ जो एक गॉड है कुरान वाला वो उन्हें इस तरह से एड्रेस कर रहा है कि ये लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के नहीं जाना चाहते। तो इस तरह की जो लानत भेजी जानी थी अल्लाह मियाँ द्वारा वो भेजी गई और उसके बाद फिर ये लोग चल पड़े। जब तक ये तबुक पहुँचते हैं तब तक इन्हें पता लगा कि वो अफवाहें तो अफवाहें थी कि वहाँ पर इस तरह की कोई सेना नहीं है जो इनसे लड़ने को तत्पर हो। तो फिर अब इन्होंने क्या करना था, वहाँ आसपास के जो कुछ कबीले थे छोटे मोटे उनको कहना शुरू किया कि तुम इस्लाम कबूल करो। और साथ में ही जो खालिद था एक चेला अपना उसे कुछ चुनिंदा घुड़सवारों के साथ भेजा कि तुम जाके जो थोड़े से दूर वाले ईसाइयों के कबीले हैं उन पर हमले करो। तो जो खालिद था वो दुमा की ओर चल पड़ता है और यहाँ पास में एक कबीला था आयला नाम का। उसका उस समय जो राजकुमार था उसका नाम जॉन बताया जाता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने उसे मैसेज भेजा कि या तो तू मुझे मिलने आ जा नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। यहाँ हमें ध्यान ये रखना है कि आज जिसे रिलीजन ऑफ पीस बताया जाता है वो शुरू से ही किस प्रकार का था आपको यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। तो वो जो प्रिंस था वो जब आया ये जॉन नाम का तो उसे कहा गया कि तुझे या तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा नहीं तो तू हमें जिजिया देगा। और उसने फिर जिजिया देना मंजूर कर लिया जिसमें 300 सोने की अशर्फियाँ हर साल उसने इनको दिया करनी थी। फिर कुछ यहूदी थे आसपास के रहने वाले वो भी आते हैं वहाँ पर और उन्हें भी यही कहा जाता है कि तुम्हें इतने इतने पैसे हमें देने हैं, फिरौती दोगे नहीं तो हम तुम्हें तुम पर हमला करेंगे। तो इस तरह से ये अपनी शांति का जो संदेश था वो फैला रहे थे। और इसके कुछ ही दिनों बाद ये लोग मदीना लौट आते हैं। उधर जो खालिद था वो जब दुमा पे जाके हमला करता है तो उन दिनों में जो शहर होते थे उनके चारों ओर दीवार बना रखी होती थी और एक दरवाज़ा हुआ करता था। तो जो वहाँ का शासक था उकैदर या उकदीर नाम का व्यक्ति था वो बाहर निकल के शिकार कर रहा था। तो खालिद और इसके साथियों ने उसको पकड़ लिया और जब ये आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो उसके भाई को मार दिया गया और उसे बंधक बना लिया गया। और फिर इन्होंने अपना शांति का संदेश आगे देते हुए शहर के लोगों को कहा कि हमने इसे पकड़ लिया है, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो हम इसे मार देंगे। तो मरता क्या ना करता की स्थिति में उन्होंने दरवाज़ा खोला और फिर उनसे कहा गया कि जो ये हमने शासक पकड़ा उसकी जान हम तभी बख्शेंगे। और उसके बदले में इन्होंने 2000 ऊँट, 800 भेड़े, 400 बख्तरबंद यानी जिन्हें हम कवच कहते हैं वो, और लगभग इतने ही भाले उनसे फिरौती की रकम के रूप में वसूल किए। और फिर इस राजा को लेकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास मदीना पहुंच गए। तो वहां पर उसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया शांति से, तो उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। अच्छा, अब सब ये तो सब निपट गया, वापस आ गए। जब ये वापस पहुंचते हैं तो अब जो ये गॉड है कुरान वाला अल्लाह नाम का ये नई आयतें नाजिल करता है। उन आयतों में जितने लोगों ने साथ नहीं दिया था उनके बारे में जो लानतें भेजी जा रही हैं उनका थोड़ा सा हम सैंपल लेते हैं। सूरह तौबा पेज आयत नंबर 101, और मुसलमानों तुम्हारे एतराफ़ के गवार देहातियों में से बाज़ मुनाफिक भी हैं। जो लोग नहीं जानते, जो नए जुड़े हैं चैनल से, मुनाफिक उन्हें कहा जाता है जो अपने आप को दावा करते हैं कि मुसलमान हैं लेकिन अंदर से वो मुसलमान नहीं होते, उन्हें मुनाफिक या हिपोक्रेट कहा जाता है। और
इस बीमारी को हिपोक्रेसी या निफाक कहा जाता है। और मुसलमानों, तुम्हारे इतराफ आसपास के गवार देहातियों में से बाज़ मुनाफिक भी हैं और ख़ुद मदीने के रहने वालों में से भी बाज़ मुनाफिक हैं जो निफाक पर अड़ गए हैं। ऐ रसूल, तुम उनको नहीं जानते मगर हम उनको खूब जानते हैं, अनकरीब हम दुनिया में उनकी दोहरी सज़ा करेंगे, फिर ये लोग कयामत में एक बड़े अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे। और कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का तो इकरार किया मगर उन लोगों के भले काम को और कुछ बुरे काम को मिला जुला कर गोलमाल कर दिया, करीब है कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल करे, क्योंकि अल्लाह तो यकीनन बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। तो जब ये लोग वापस लौट आए तो जो नहीं गए थे उन्हें पता था कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, तो वो सब आके माफ़ियाँ मांगने लगे और अपने अपने बहाने बताने लगे कि ये कारण था हम नहीं आए। तो जो पैगंबर मोहम्मद थे ये उन सबको माफ़ करते जा रहे हैं और उनका कहना है कि अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर रहा है, जो गॉड है कुरान का। तो यहाँ पर उनके बारे में उल्लेख आता है, ऐ रसूल, तुम उनके माल की ज़कात लो और इसकी बदौलत उनको गुनाहों से पाक साफ करो और उनके वास्ते दुआएं खैर करो, क्योंकि तुम्हारी दुआ इन लोगों के हक में इत्मीनान का बायस है और अल्लाह तो सब कुछ सुनता और जानता है। क्या इन लोगों ने इतने भी नहीं जाना? यकीनन अल्लाह बंदों की तौबा कबूल करता है और वही खैरातें भी लेता है, और इसमें शक नहीं कि वही तौबा का बड़ा कबूल करने वाला मेहरबान है। और ऐ रसूल, तुम कह दो कि तुम लोग अपने अपने काम किए जाओ, अभी तो अल्लाह और उसका रसूल और मोमिनीन तुम्हारे कामों को देखेंगे और बहुत जल्द कयामत में ज़ाहिर व बातिन के जानने वाले अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे, तब वह जो कुछ भी तुम करते थे तुम्हें बता देगा। और इसकी जो अगली आयत है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और कुछ लोग हैं जो हुक्म अल्लाह के उम्मीदवार किए गए हैं, उसको अख्तियार है ख्वा उन पर अजाब करे या उन पर मेहरबानी करे, और अल्लाह तो बड़ा वाकिफकार हिकमत वाला है। अब ये जो अंतिम आयत है ये वहाँ पर तीन लोग खास थे, बाकी उन्होंने अपने बहाने बता दिए, लेकिन ये तीन जो लोग थे, एक कवि था काब बिन मलिक नाम का, और बाकी दो थे, एक का नाम मुरारा था और तीसरे का नाम हिलाल था। इनके पास कोई बहाना नहीं था बताने के लिए, तो इनके बारे में फिर ये अनसर्टेन आयत आ जाती है कि अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा वो अल्लाह पे डिपेंड करता है। तो इन लोगों को अब बहुत चिंता होने लगी कि हमारे साथ क्या होगा, तो बहुत दुखी रहे। बाकी लोगों ने इनसे बातचीत करना छोड़ दिया, इनको जिसे सोशल बॉयकॉट कहते हैं बहिष्कार कर दिया गया। कई दिन बीत गए, जब 30-40 दिन बीत गए, इनकी पत्नियां भी इनसे नहीं मिल सकती थी, इनकी जो बीवियां थी, क्योंकि सोशल बॉयकॉट पूरे का पूरा था। तो जब ये सारा कुछ चलता रहा तो लगभग 50 दिनों के बाद फिर ये जो गॉड है अल्लाह नाम का, उसकी एक और आयत आती है। ये है, कुछ जगह पे इसे आयत नंबर 117 लिखा है, कुछ जगह पे 118 लिखा है। अलबत्ता अल्लाह ने नबी और उन मुहाजिरीन अंसार पर बड़ा फजल किया जिन्होंने तंग दस्ती के वक्त रसूल का साथ दिया, और वह भी उसके बाद की करीब था कि उनमें से कुछ लोगों के दिल जगमगा जाएं, फिर अल्लाह ने उन पर भी फजल किया, इसमें शक नहीं कि वह उन लोगों पर बड़ा तरस खाने वाला मेहरबान है। तो अल्लाह ने इन पर तरस खा लिया 50 दिन बाद और अब इनको माफ़ कर दिया गया। अब आपको ध्यान ये देना है कि इस्लाम का क्लेम है कि कुरान एक ऐसी किताब है जो लौहे महफूजा ऊपर अल्लामिया के पास है और वो यहाँ नाजिल की जाती है, तो वहाँ पर ये सब जितना घटनाक्रम है उसका उल्लेख है। अब इसमें अध्यात्म ढूंढने जाएंगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्लेम ऐसा ही है। इसके अतिरिक्त एक और जो किस्सा इसी समय चल रहा था, कुछ लोगों ने, मदीना के कुछ लोगों ने एक नई मस्जिद बनाई थी, और उसके बारे में जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तबुक जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब उनसे कहा था कि आप एक बार इस मस्जिद में आकर सलात करें ताकि इसमें भी लोग आना आरम्भ हो। तो तब इनको तबुक जाना था तो वहाँ नहीं गए।
फिर कुछ लोगों ने बताया कि ये भी मुनाफिक लोग हैं कि जो अच्छे मुसलमान नहीं हैं। तो अल्लाह मियाँ ने फिर इस मस्जिद के बारे में भी आयतें नाजिल की हैं, वो इसी सूरह तौबा में ही मिलती हैं। और वह लोग भी मुनाफिक हैं जिन्होंने मुसलमानों के नुकसान पहुंचाने और कुफ्र करने वाले और मोमिनीन के दरमियान तफरका फूट डालते और उस शख्स की घात में बैठने के वास्ते मस्जिद बनाकर खड़ी की जो अल्लाह और उसके रसूल से पहले लड़ चुका है। और लुत्फ तो ये है कि ज़रूर कस्में खाएंगे कि हमने भलाई के सिवा कुछ और इरादा ही नहीं किया, और अल्लाह खुद गवाही देता है। ये लोग यकीनन झूठे हैं। ऐ रसूल, तुम इस मस्जिद में कभी खड़े भी ना होना। वह मस्जिद जिसकी बुनियाद अव्वल रोज़ से परहेज़गारी पर रखी गई है, वह ज़रूर उसकी ज़्यादा हकदार है कि तुम उसमें खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, क्योंकि उसमें वह लोग हैं जो पाक व पाकीज़ा रहे तो पसंद करते हैं, और अल्लाह भी पाक व पाकीज़ा रहने वालों को दोस्त रखता है। क्या जिस शख्स ने अल्लाह के खौफ और खुशनूदी पर अपनी इमारत की बुनियाद डाली हो वह ज़्यादा अच्छा है, या वह शख्स जिसने अपनी इमारत की बुनियाद इस बोदे किनारे के लब पर रखी हो जिसमें दरार पड़ चुकी हो, और अगर वह चाहता तो फिर उसे ले दे के जहन्नुम की आग में फट पड़े, और अल्लाह जालिम लोगों को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। ये इमारत की बुनियाद जो उन लोगों ने कायम की उसके सबब से उनके दिलों में हमेशा धर पकड़ रहेगी, यहाँ तक कि उनके दिलों के परखच्चे उड़ जाएं, और अल्लाह तो बड़ा वाकिफकार हकीम है। तो अब ये जो कुरान का गॉड है अल्लाह, उसने आयतें नाजिल कर दी कि वो वाली मस्जिद ठीक नहीं है। तो फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने चेलों को कहते हैं कि जाओ और उस मस्जिद को नष्ट कर दो। तो उस मस्जिद को वहाँ जाकर तोड़ दिया जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि उसे जला दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो शांति है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के समय से फैलती रही है, और आज ये संसार भर में फैली है। यहाँ जब ये वापस आते हैं, मदीना पहुँचते हैं तबुक से, तो उसके लगभग 2 महीने में ही एक जो मदीना का बहुत वृद्ध एक सरदार हुआ करता था अब्दुल्ला बिन उबे नाम का, उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसकी आयु बहुत हो गई थी, 100 वर्ष से ऊपर का था, तो उसकी मृत्यु हो गई। और इसके रहते अभी भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ये डर रहता था, ये भय होता था कि उसके भी बहुत सारे चेले हैं, कि ऐसा ना हो वो इसके अगेंस्ट इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कभी उसके साथ सीधा सीधा युद्ध नहीं किया, कोई ज़्यादा झगड़ा नहीं किया। और उसके मरने के बाद अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का लगभग एक छत्र साम्राज्य, एक छत्र शासन वहाँ पर बन गया था, कि इस समय तक जो ये चेले चांटे थे वो समृद्ध हो चुके थे, और उन्हें ऐसा लगने लग गया था कि अब हमें जो जिहाद है, जो मज़हब के लिए लड़ाइयाँ हैं, वो समाप्त हो चुकी हैं, अब लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने अपने हथियार बेचने आरंभ कर दिए थे। तो जैसे ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ये बात पता लगी तो उसने कहा कि नहीं, अभी लड़ाइयाँ समाप्त नहीं हुई हैं, ये लड़ाई तब ख़त्म होगी जब एंटी क्राइस्ट, या जिसे दज्जाल कहा जाता है, वो आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।